हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप लोग दोस्तों, ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं रहे और ये खबर बॉलीवुड इंडस्ट्री और ऋषि कपूर के फैंस के लिए बहुत दुख भरी है। दोस्तों, इस वीडियो में द ग्रेट इंडियन एक्टर ऋषि कपूर के जिंदगी पर एक नजर डालेंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की और किस तरह वो अपनी जिंदगी से कैंसर की वजह से जंग हार गए। ऋषि कपूर की जिंदगी से जुड़ी हर चीज बताएंगे आज इस लाइफस्टाइल वीडियो में, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। वह एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें बॉबी फिल्म के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने 1973 और 2000 के बीच 92 फिल्म में रोमांटिक लीड के रूप में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। उनके एक फिल्म दो दुनी चार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 2011 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया था और कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्हें 2017 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। उन्हें 2008 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह 1973 से 1981 के बीच 12 फिल्मों में अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ दिखाई दिए। 30 अप्रैल 2020 यानी कि आज ऋषि कपूर के बोन मेरो कैंसर की जटिलताओं के चलते 67 वर्ष के आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ऋषि कपूर का जन्म पंजाब के परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था। वह विख्यात अभिनेता, फिल्म निर्देशक राज कपूर के पुत्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। उन्होंने कैंपियन स्कूल मुंबई और मेयो कॉलेज अजमेर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा की। उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर, मातृ चाचा प्रेमनाथ और राजेंद्रनाथ और पैतृक चाचा शशि कपूर और शमी कपूर सभी अभिनेता हैं। उनकी दो बहनें रितु नंदा और रीमा जैन हैं। ऋषि कपूर स्वर्गीय राज कपूर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं। परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर पैर रखते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वे एक सफल अभिनेता के रूप में उभर आए। मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था। बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म मूवी थी जिसमें उनके साथ डिम्पल कपाडिया भी दिखाई दी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी। ऋषि कपूर के दो संतान हैं, रवि कपूर जो कि एक अभिनेता है और रिद्धिमा कपूर जो एक ड्रेस डिजाइनर है। करिश्मा कपूर और करीना कपूर उनकी भतीजियां हैं। ऋषि कपूर अपने सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों के लिए विवादों में रहे हैं, खास करके ट्विटर पे। वर्ष 2018 में उन्हें कैंसर का पता चला था जिसके बाद लगभग एक वर्ष तक न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला था। भारत वापसी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम देखे जाने लगे थे, जिस बीच उनका इलाज चलता रहा। दो वर्षों तक चली कैंसर की पीड़ा के बाद ऋषि कपूर की 30 अप्रैल 2020 को मुंबई में 67 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अपने अंतिम समय में वे मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती थे। इस बीच वे अपनी फिल्म शर्माजी नमकीन की शूटिंग कर रहे थे। अब बात करते हैं ऋषि कपूर की कार कलेक्शन के बारे में। तो ऋषि कपूर के पास मर्सिडीज बेंज मेबैक S500 है। इंजन और पावर की बात करें, इंजन और पावर की बात की जाए तो इस कार में 4.7 लीटर का V8 इंजन दिया गया है जो कि 455 bhp की पावर और 700 nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। कीमत की बात की जाए तो इस लग्जरी कार की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये थी ऋषि कपूर के जिंदगी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको कोई जानकारी मिल गई हो तो थैंक यू।